हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में आपका वेलकम करती हूँ। आज टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है प्लेसेंटेशन, यानी कि बिजांड न्यास या बिजांड विन्यास किस प्रकार से होता है उसे हम आज के लेक्चर में देखेंगे। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबाकर नोटिफिकेशन स्टार्ट करना ना भूलें। और अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोज़ हेल्पफुल हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो सबसे पहले हम ये जानें कि प्लेसेंटेशन यानी कि बिजांड न्यास क्या होता है। यहाँ पर हम फ्लावरिंग प्लांट्स की बात कर रहे हैं। इन फ्लावरिंग प्लांट्स में ओवरी के अंदर ओव्यूल्स का अरेंजमेंट किस तरीके से होता है, या हम कह सकते हैं कि उसकी उसमें कितने ओव्यूल प्रेजेंट हैं, किस उसकी प्लेसेंटा की पोजीशन क्या है, कहाँ पर सेप्टा कितने प्रेजेंट हैं, कितने लॉक्यूल्स प्रेजेंट हैं, इन सबको जो है हम प्लेसेंटेशन के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है यहाँ पर कि ओवरी में किस तरीके से ओव्यूल का अरेंजमेंट देखने को मिलता है फ्लावरिंग प्लांट में, उन्हें हम प्लेसेंटेशन या बिजांड विन्यास कहते हैं। टाइप्स हम यहाँ पर देख रहे हैं। पहला टाइप है मार्जिनल यानी कि सीमांत। इस टाइप का जो बिजांड न्यास या प्लेसेंटेशन है वो मोनोकार्पलरी ओवरी यानी कि एक कांडपी अंडाशय में देखने को मिलता है। यहाँ पे प्लेसेंटा जो है वो सिंपल ओवरी की मार्जिन के ऊपर डेवलप होती है, जैसे कि हम इमेज में देख सकते हैं मार्जिन पर डेवलप हो रही है, इसीलिए हम इसको सीमांत कहते हैं। ये इस तरीके का स्ट्रक्चर फ्रूट का अगर होता है, यहाँ पर देखिए ये बीज हैं, ये फ्रूट है, और इसका जब आप टीएस काटेंगे तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ये इसकी प्लेसेंटा है, ये इसका ओव्यूल है और ये इसका लॉक्यूल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर क्लियरली शो हो रहा है आपको, ये जो है बीच में ये क्या है, ये ओव्यूल है। ओव्यूल इस तरीके के स्ट्रक्चर से नीचे जुड़ा हुआ है, तो वो हो गया प्लेसेंटा, ये हो गया ओव्यूल, और जो जहाँ पर ओव्यूल प्रेजेंट है वो पार्ट आपका हो गया लॉक्यूल। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जब प्लेसेंटा ओवरी की मार्जिन से डेवलप होती है तो उसे हम मार्जिनल या सीमांत बिजांड न्यास कहते हैं। नेक्स्ट इज एक्साइल यानी कि अक्षीय। यहाँ पर मल्टीलॉक्युलर जो ओवरी होती है, बहुअंडपी जो अंडाशय होता है उनमें देखने को मिलता है। यहाँ पर क्या होता है, सेंट्रल में तो प्लेसेंटा होती है और सेंट्रल प्लेसेंटा के ऊपर ही ओव्यूल्स डेवलप होते हैं, जैसे कि हम यहाँ स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये प्लेसेंटा है, ये ओव्यूल है। टीएस अगर आप काटेंगे, ये एलएस है, ये टीएस है। टीएस में आप देखेंगे सेंटर में प्लेसेंटा है, ये तीन यहाँ पर ओव्यूल है और तीन ही यहाँ पर लॉक्यूल्स है, थ्री अंडपी अंडाशय हो गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बीच में जो कंडीशन आपको दिखाई दे रही है ये तो क्या है, प्लेसेंटा। यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, सेप्टम। ये जो खाली पार्ट है जिसमें ओव्यूल प्रेजेंट है वो हो गया आपका लॉक्यूल, और ये जो आपको चार चार दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4, ये क्या हो गए, ये हो गए ओव्यूल। ठीक है, तो मल्टी लॉक्यूलर यानी कि जो बहुत सारे लॉक्यूल वाली जो अंडाशय होता है उसमें इस तरीके की कंडीशन देखने को मिलती है, जहाँ पर प्लेसेंटा कहाँ पर हो, सेंटर में हो, और सेंट्रल प्लेसेंटा के ऊपर ओव्यूल्स डेवलप हों। नेक्स्ट कंडीशन है पैराइटल यानी कि भित्तीय। ये यूनिलॉक्युलर ओवरी में देखने को मिलता है। यहाँ पर ओव्यूल्स जो हैं वो किस पर होते हैं, पैरीफ्री के ऊपर फ्यूज होते हैं और कार्पल्स की मार्जिन पर यहाँ पर दिखाई देते हैं। देखिए इस तरीके की कंडीशन यहाँ देखने को मिल रही है कि यहाँ पर प्लेसेंटा क्लियरली दिखाई नहीं देती, वैसे प्लेसेंटा ये रही, ये देखिए ये रही प्लेसेंटा यहाँ पर। तो इस तरीके की कंडीशन में क्या होता है, प्लेसेंटा कहाँ पर है, ओवरी की मार्जिन पर, भित्ति के ऊपर जो है अटैच है। यहाँ पर ये वाली कंडीशन जो देखने को मिल रही है, यहाँ पे हमें ओव्यूल कैसे दिखाई देते हैं, ऐसे दिखाई देते हैं जैसे कि ओव्यूल जो है वो भित्ति के ऊपर या परिधि के ऊपर लगे हुए हों, पेरिफेरल कंडीशन में लगे हुए हों। तो इसे जो है हम पैराइटल या भित्तीय प्लेसेंटेशन कहते हैं। नेक्स्ट वन इज़ बेसल यानी कि आधारी। जब प्लेसेंटा ओवरी के बेस से डेवलप होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बेसल या आधारी कहते हैं। देखिए यहाँ पर ये ओवरी है, ओवरी के बेस से प्लेसेंटा डेवलप हो रही है। तो इस टाइप में जब हम कट करते हैं तो कुछ इस तरीके की कंडीशन देखने को मिलती है, और यही कट अगर हम बिल्कुल इसके अटैचमेंट के साथ में करेंगे तो ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पर ये प्लेसेंटा है, ये ओव्यूल है और ये लॉक्यूल है। ठीक है, तो जब ओवरी के बेस से प्लेसेंटा डेवलप हो तो उसे हम बेसल प्लेसेंटेशन या आधारी बिजांड न्यास कहते हैं।
नेक्स्ट वन इज़ फ्री सेंट्रल यानी कि मुक्त केंद्र की। जब प्लेसेंटा जो है सेंट्रल एक्सिस पर डेवलप होती है कंपाउंड एवरी में ओवरी के अंदर, और उसमें सेप्टा जब प्रेजेंट नहीं होते हैं तो उसे हम फ्री सेंट्रल या मुक्त केंद्र की कहते हैं। देखिए यहाँ पर बीच में ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट प्लेसेंटा है, इस पर ओव्यूल लगे हुए हैं बट सेप्टा नहीं है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर को जब आप टीएस काटेंगे तो बीच में जो है यहाँ पर ये प्लेसेंटा प्रेजेंट हो गई, प्लेसेंटा से जो है ओव्यूल्स लगे हुए हैं बट ये ओव्यूल्स लॉक्यूल में डिवाइडेड नहीं है, तो सिंगल लॉक्यूलर हो गई ये, ठीक है। ओव्यूल्स बहुत सारी प्रेजेंट है, प्लेसेंटा यहाँ पर सेंटर में प्रेजेंट है, तो इस टाइप का जो प्लेसेंटेशन होता है उसे हम मुक्त केंद्रकीय या फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन कहते हैं। नेक्स्ट वन इज़ सुपरफिशियल यानी कि परिभित्तीय। यहाँ पर जो है ओवरी वॉल की इनर सरफेस से प्लेसेंटा का डेवलपमेंट देखने को मिलता है, जो कि हम इजीली बहुअंडपी अंडाशय में जो मल्टी कार्पलरी ओवरी होती है उसके अंदर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सेप्टम बने हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट, यहाँ पर ये सेप्टम बने हुए हैं, ठीक है। और इनर वॉल से यहाँ पर, मतलब अगर आप इसको थोड़ा सा इस तरीके से देखें कि ये एक लॉक्यूल है, ठीक है, इस लॉक्यूल में यहाँ पर इस तरीके से प्लेसेंटा डेवलप होते हैं और उन प्लेसेंटा के ऊपर ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्लेसेंटा कहाँ से डेवलप हो रही है, ओवरी की, ओवरी वॉल की इनर सरफेस से डेवलप हो रही है, तब इसको हम सुपरफिशियल या परिभित्तीय कहते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने जाना कि किस टाइप का बिजांड न्यास या प्लेसेंटेशन फ्लावरिंग प्लांट्स में देखने को मिलता है। तो आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून टू बॉटनी ज्ञान फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव बॉटनी वीडियोज़। थैंक यू।